हर देखने वाली आंख और सुनने वाले कान को इस वाबूती की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, आज आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर के डिज़ाइन, विंटर की ड्रेस डिज़ाइनिंग। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये वाला ड्रेस होगा। ये लाइट से खद्दर पे बना हुआ है, ठीक है, और इस पे ये क्रॉस स्टिच की एम्ब्रॉयडरी हुई है। फ्लावर्स हैं फ्रंट वाली साइड पे, और जो इसकी स्लीव्स हैं वो सिंपल थे। बैक भी इसकी टोटली सिंपल है। अब इसको मैंने कुछ डिज़ाइन इस तरह किया है, इसमें थोड़ी सी फॉर्मल लुक आ गई है। नेक पे डिज़ाइन बना दिया, और इसकी स्लीव्स पे भी मैंने लेसिस के साथ डिज़ाइन बनाया है, और इसके घेरे चौक पे पाइपिंग की है इसी में से कलर लेकर, और नेक लाइन पे पाइपिंग भी की है, और उसके ऊपर फैंसी बटन अटैच कर दिए हैं ताकि अगर आपको कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो वहाँ भी आप पहनकर जा सकती हैं। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे मैंने स्लीव, सबसे पहले मैं आपके साथ इसके स्लीव्स शेयर करूँगी। तो ये देखिएगा, सबसे पहले ये देखें कि मैंने फ्रंट पे इसके बॉटम पे पाइपिंग कर दी है ग्रीन कलर की, और साथ में फिर तीन पिंटेक्स डाले हैं, दो दफ़ा रिपीट किए हैं। तीन तीन बारीक प्लेट्स हैं लेकिन दो दफ़ा रिपीट हुए हैं, और इसके बाद जो लेस है वो हमने तीन दफ़ा रिपीट की है। यहाँ पे देखें, स्टार्ट में ग्रीन कलर है, और इसके बाद ऑरेंज, और उसके बाद फिर ग्रीन, और जिसका नेक्स्ट दूसरा बाजू है उस पर हमने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है। उस पर हमने स्टार्ट ऑरेंज से लिया है, और फिर सेंटर में ग्रीन ले आए हैं, और फिर जो लास्ट पे है वो भी ऑरेंज कलर ही है। यानी इससे हमारे बाजुओं की थोड़ी सी लुक भी चेंज हो गई है, और देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, और पहनने वाला भी इसको अच्छा महसूस करेगा। फिर इसके बाद मैंने इसकी नेक लाइन पे डिज़ाइन कर दिया है, वो ऑर्गेन्जा के साथ ऑरेंज और शॉकिंग टच दिया है। बाजुओं पे मैंने बॉटल ग्रीन और ऑरेंज टच दिया है, जबकि नेक लाइन पे मैंने ग्रीन कलर की पाइपिंग कर दी है, और साथ में जो नेक है हमारा उसको हमने ऑर्गेन्जा के साथ छोटे छोटे लीव्स बनाकर शॉकिंग और ऑरेंज रंग के अटैच कर दिए हैं। ये डिज़ाइन मैं इससे पहली वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये आजकल बहुत इन है और कस्टमर की डिमांड भी है, इसलिए ये डिज़ाइन बार बार रिपीट भी होगा, फिर आप लोगों के सामने भी आएगा, तो यकीनन आपको अच्छा भी लगेगा और आप इसकी ट्राई भी जरूर करेंगी। और फिर उसके बाद ये देखेंगे, ये नेक हो गया हमारा, और फिर ये हमारी पाइपिंग हो गई। पाइपिंग पे से मिलते जुलते हमने बटन अटैच कर दिए हैं, लेकिन इसका ये फ्रंट वाला जो फर्स्ट वाला बटन है वे कि थोड़ा सा मेरे वर्कर ने टेढ़ा लगा दिया है। अब सुबह इंशाल्लाह फिर इसको दोबारा ठीक करवाऊंगी, क्योंकि ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, तो पहनने वाले को कैसे अच्छा लगेगा। और देन इसकी मैंने पाइपिंग की है, वो भी बॉटल ग्रीन कलर की, जो पलटा है पाइपिंग इसके अंदर करके फिक्स की हुई है, और साइड्स पे जो पलटा है वो हमने शर्ट वाला लगाया। अब इसकी जो शर्ट थी, शर्ट की जो बैक साइड है वो हमारी इस कलर में है, और जो फ्रंट साइड है वो इस तरह की है। जो पलटा यूज़ किया है वो भी कुछ हमने इसी तरह के, फ्रंट का पलटा बैक पर और बैक का पलटा हमने फ्रंट पे अटैच कर दिया, इससे थोड़ी सी लुक चेंज हो गई है। अब मैं आपको इसका नेक शेयर करती हूँ आपके साथ। ये देखिएगा, करीब से मैं दिखा रही हूँ आपको, इसका नेक बॉट नेक है, साथ में छोटा सा स्लिट है, और यहाँ पे ये लीव्स बनी हुई हैं, ठीक है, जो कि ऑर्गेन्जा के साथ अटैच किए हैं। और साथ में ये देखिएगा, ये है हमारी पाइपिंग। पाइपिंग के ऊपर हमने तीन बटन अटैच कर दिए हैं, और ये बटन थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको चेंज करवाऊंगी, ठीक है भैया। तो इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह है, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकती हैं। ये आप प्लेन सूट पे भी ऐसा डिज़ाइन बना सकती हैं, और अगर आपके पास कोई प्रिंटेड सूट है तो प्रिंटेड सूट को फॉर्मल करने के लिए भी कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। और बाजू इसके साथ मैंने आपको जैसे कि बताया है, सॉरी कि बाजुओं का ये इस तरह डिज़ाइन है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम अपना करेंगे नेक्स्ट डिज़ाइन आपके साथ शेयर। तो जी जनाब, ये है दूसरा ड्रेस, ये हमारा ब्लैक एंड वाइट, मिल्की वाइट पे हमारा ये ड्रेस है। तो इसमें भी ये देखिएगा कि ये इसी तरह पैनल से हमारे, ये सेंटर वाला पैनल है और ये साइड वाले पैनल है, लेकिन अब इसको थोड़ी सी डिफरेंट लुक दे दी है कि हमने इस पैनल को टोटली नहीं जोड़ा आपस में, इसको ना इतना स्लिट रख दिया है दोनों साइड्स पे, इक्वल इक्वल, यानी कि ये वाला देखें, ये स्लिट रख दिया है, और इसके फिर ना तकरीबन डेढ़ डेढ़ इंच के फासले पे तीन तीन इसके बीड्स अटैच कर दिए हैं, पर्ल छोटे वाले पर्ल तीन तीन,
और लास्ट पे इसके ये देखें कि ये लास्ट पे इसके हैं पैच एम्ब्रॉयडरी वाला, ये हमें मिला था सूट के साथ ही। और फिर डिज़ाइन फिर रिपीट हो गया कि वही डिज़ाइन हमने यहाँ अब दामन पे रिपीट कर दिया, दामन और स्लीव्स पे बना दिया है। ठीक है, दामन पे और स्लीव्स पे बनाते हुए इसको पलटे के साथ लगाएंगे और इसको घूम करके ये अंदर चला जाएगा। और इसको जो पलटा लगाया वो भी हमने ब्लैक कलर का लगाया, मैरून टच नहीं दिया, मैरून हल्का सा टच दिया, मोस्टली इसमें ब्लैक कलर यूज़ किया। और ये फिर इसके स्लीव्स हैं, ये देखिएगा स्लीव्स पे भी यही डिज़ाइन बना दिया है। और ये जो नेक पे नेक इसका ये ऐसे है चौकोर में 20 कट है, और क्योंकि ये जो एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी थी ये भी हमारी इसी शक्ल में थी, और फिर इस पर नेक भी इसी तरह का बना दिया। अब आपके साथ इसकी बैक साइड शेयर करती हूँ। बैक साइड जो है ना इसकी वो बिल्कुल टोटली सिंपल थी, ओनली इसके साथ ये नीचे एक पैच है, ये वाला पैच, ये पैच है, और पैच के नीचे वही हमने लीव्स वाला डिज़ाइन बना दिया। और इसको पलटा एज यूजुअल इसको पलटा लग गया है, ये देख लीजिएगा इसकी फाइनल लुक, यहाँ से ये बड़ा स्टाइलिश लगता है, ये देखिए ये चीज़ इसकी बड़ी स्टाइलिश लुक दे रही है, पहना हुआ भी ये स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है। और अगर कोई हेल्दी है तो हेल्दी लोगों को ये वाले थोड़े लॉन्ग में स्टाइल, कढ़ाई जिसकी एम्ब्रॉयडरी लॉन्ग लंबाई में हो और साथ में ऐसे कट शर्ट हो तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। तो देखिए जनाब, ये हमारा तीसरा ड्रेस है और ये ड्रेस भी बहुत मज़े का ड्रेस है। इसमें ये देखें कि ये इसकी चिकन की शर्ट है, छोटे छोटे से सुराख है इसमें। और तो ये देखें फिर इसको, ये सिंपल ही शर्ट थी मेरी, और इसको मैंने फिर कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है कि सेम फैब्रिक प्लेन लेके उसके ऊपर बारीक बारीक से पेंटिक्स डालें, ये देखिएगा ये वाले, ठीक है। और दोबारा अंदर से कट करके यही वाला पोर्शन इसके अंदर फिक्स कर दिया जिस पे हमने प्लेट्स डाले थे। और फिर ये देखिए ये फैंसी लेस है, इसको अटैच कर दिया इसकी चारों साइड्स पे। नेक इसका बॉट नेक है, और ये फिर जो है हमारे पास एक एक्स्ट्रा पैच था, ये खुद से डिज़ाइन किया हुआ, इसके पैचेस वगैरह भी अलग से थे, तो इसको स्लीव्स पे अटैच कर दिया है, दोनों स्लीव्स पे ये पैचेस लग गए हैं। और साथ में ये वाले जो मोटिफ हैं हमने दो मोटिफ साइड्स पे अटैच कर दिए हैं, और नीचे इसके पलटा अटैच कर दिया है। ठीक हो गया, ये पलटा हो गया इसका, और ये सिंपल सा डिज़ाइन। और इसके बाद ये देखें इसकी बैक साइड सिंपल है। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, करीब से देख लीजिएगा इसकी कोई लुक इस तरह की आएगी, ये देखिएगा। ठहरे आपको मैं दिखाती हूँ, ये है इसकी फाइनल लुक। सिंपल सिंपल से डिज़ाइन है, लेकिन ये है कि आप जैसे आजकल छोटे मोटे फंक्शन भी स्टार्ट हो गए हैं तो आप वहाँ भी इसको वेयर कर सकती हैं आसानी के साथ। और अगर आप इसको कैजुअल यूज़ करना चाहें तो कैजुअल यूज़ कर सकती हैं, अगर टीचर्स वगैरह हैं कहीं स्कूल वगैरह में पहनने हैं तो भी आपके काम आएगा। और अगर आप गर्ल्स हैं, आपने कोई कॉलेज वगैरह में कहीं आपने पहनना है कहीं आने के लिए, तो भी ये आपको बहुत सूट करेगा। तो इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले ड्रेस की तरफ, जो कि हमारा लास्ट ड्रेस होगा। तो जी जनाब, ये है मेरा आखिरी ड्रेस, ये है टॉप, टीनेज बच्चियों के लिए टॉप है। इसको आप पैंट के साथ, जीन्स के साथ और टाइट्स के साथ भी कैरी कर सकती हैं। सिंपल सा टॉप है ये, तो आप किसी भी आसानी से बना सकती हैं कि सेंटर में इसका सेंटर वाला तीरा है और साइड पे इसके पैनल डाले हुए हैं। और इसके अलावा ये फिर रेड कलर के इसमें से पैनल डाल दिए, और ये पाइपिंग की है, पाइपिंग के ऊपर छोटे छोटे से मुने मुने से बटन लगा दिए। और फिर जो इसके स्लीव्स हैं ये दो कलर्स में बना दिए हैं, ये बनाए हैं नेट के। तो देखें ये बैक पे ये टोटल जो है स्लीव्स, पहले हमारा ग्रीन कलर का है, ग्रीन वे वाला कलर, और उसमें फिर लाइट पिंक की ऊपर फ्रिल लगी है। स्लीव्स की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह है कि ये डबल फ्रिल वाले स्लीव्स हैं, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए कि ये डबल इस फ्रिल वाले स्लीव्स हैं, इसकी सारी ब्यूटी हमारी स्लीव्स के साथ है। और बैक इसकी सिंपल है, इसमें मतलब वो पैनल्स नहीं डाले, सिर्फ हमने फ्रंट पे पैनल्स अटैच किए हैं, दो पैनल्स हैं फ्रंट पे, ये देखिएगा यहाँ से स्टार्ट होंगे और नीचे से थोड़े आहिस्ता आहिस्ता खुलते जाएंगे, और पाइपिंग हुई हुई है इस पर। और स्लीव्स का डिज़ाइन इसका बहुत मज़े का है,
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड के साथ शेयर भी किया करें। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे हम किसी और वीडियोस के साथ, किसी नए नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।